तो दोस्तों, लीनियर इक्वेशन के रिड्यूसिबल कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको एक जस्ट बेसिक डेफिनेशन देना चाहता हूँ लीनियर इक्वेशन के बारे में, और कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ इसके। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्योंकि जैसे लीनियर जो वर्ड है उसका मतलब भी 1 है और सिंगल मतलब है उसका। तो वो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन जिसकी डिग्री दोस्तों 1 कहलाती है। अब कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होती हैं, तो हमें उनको रिड्यूस करके, तभी यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है रिड्यूसेबल, तो हमें उन्हें दोस्तों रिड्यूस करके और उनको चेंज करके किसी तरह से, लॉजिक से, कुछ ट्रिक से, उनको दोस्तों हमें लीनियर इक्वेशन में बदलना होता है। और फिर जब हम उस बदली हुई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ आंसर मिलता है, और फिर हम वापस दोस्तों आंसर उसकी नॉर्मल और बेसिक फॉर्म में रखते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक इक्वेशन की तरफ लेके चलता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 13। ये मेरे पास दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी मेरे पास इक्वेशन है 5x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। दोस्तों ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दोनों इक्वेशन मेरे पास हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों, जो बेसिक लीनियर इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है? वो दोस्तों होती है ax प्लस ऑफ by प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। दोस्तों वो इस फॉर्म में मेरे पास पड़ी होती है। बट यहाँ पर हम क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है a by x प्लस बी वाई वाई इज प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये अगर हम इक्वेशन देखें, अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें कुछ इस तरीके से, इक्वेशन 1 हमें क्या कहलाएगी? जब हम 2y प्लस ऑफ 3x इक्वल टू 13xy, क्योंकि हमने xy का एलसीएम ले लिया। ऐसे ही जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है वो किस फॉर्म में चली जाएगी? 5y माइनस 4x इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy। दोस्तों अब यहां पर गौर कीजिए, ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्योंकि जो x एंड y है उन दोनों की डिग्री दोस्तों मिला के 2 हो जाती है, क्योंकि x का भी 1 है और y का भी जो पावर है दोस्तों 1 है। इस इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाती है और एक तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चली जाती है। तो जो हाईएस्ट डिग्री है हम उसी को ही वेटेज देते हैं। इस केस में डिग्री हाईएस्ट 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं बनती है। बट हमें इसको रिड्यूसेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर वापस इसको लेके आएंगे। किस तरीके से, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। तो दोस्तों गौर कीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास जो चीज हमें चाहिए x और y वो हमारे पास 1x और 1y के फॉर्म में है। तो हम इसके लिए क्या क्या करेंगे? बेसिकली टेक्निक जो हमारे पास है वो ये है कि हम 1x को दोस्तों p मान लेते हैं और हम 1y को दोस्तों q मान लेते हैं। ये छोटा सा चेंज हम कर लेते हैं, और इस चेंज को करने के बाद जो हमारे पास चीजें मिलेंगी, जो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमने रिड्यूसिबल वाली बात बोली थी, वो इस तरीके से कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 अब हो जाएगी 2p प्लस ऑफ 3q इज इक्वल टू 13, और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 5p माइनस ऑफ 4q इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, ये रिड्यूसेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमने जो 1x और 1y की जो प्रॉब्लम थी वो हमने P और Q को अज्यूम करके दूर कर दी। दोस्तों यहां पर गौर कीजिएगा, ये जो इक्वेशन है ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों आइए देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इस तरीके से हमें जो मिलेगा वो है 8p प्लस ऑफ 12q इज इक्वल टू 2। यहाँ हमें मिलेगा 15p माइनस ऑफ 12q इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 दोस्तों, और यहाँ पर देखेंगे तो हमें ये डायरेक्टली ये कैंसल आउट हो रहा है, और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये हमें मिला 23p इज इक्वल टू 46, पी इज इक्वल टू 46 बाई 23 इक्वल टू 2। ऐसे ही जब हम पी को वहां पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, हमें क्या मिलने वाला है? 2 इंटू 2 प्लस ऑफ 3q इक्वल टू 13, 3q इज इक्वल टू 13 माइनस 4q इक्वल टू 9/3 इक्वल टू 3। दोस्तों हमें दो चीजें यहां पर मिली, हमें मिला
पी इक्वल टू टू और क्यू इक्वल टू हमें मिला 3। और जब हम पीछे जाएं तो हमने पी और क्यू को किस फॉर्म में माना था दोस्तों? हमने पी और क्यू को देखिए यहाँ पर 1/x और 1/y की फॉर्म में था। तो अब हम यहाँ गौर करिए, लिख सकते हैं पी जो था 1/x इक्वल टू टू, क्यू जो था 1/y इक्वल टू 3, और यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और y इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। दोस्तों ये हमें एक सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है इस इक्वेशन का। तो हमारी जो बेसिक कंसेप्ट था वो यही था, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व तो हम कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, कोई भी इक्वेशन इस तरह के एक पैटर्न फॉर्म में हमें नजर आए, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है, 1/x और 1/y का पैटर्न है, तो हम इस पैटर्न को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसी और वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे पी और क्यू के फॉर्म में, और उसको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों हम, सिंपल इस फॉर्म में इक्वेशन हमारी आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन देखिए पहले किस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रखी थी, और अब देखिए रिड्यूस होके किस फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई है। उसके बाद हमने सॉल्व किया और पी और क्यू की वैल्यू सबसे पहले हमने निकाली यहाँ पे, और फिर हमने दोस्तों इसको इंटरप्रेट किया जो हमने पहले एज्यूम किया था। और दोस्तों हमें एक्स और वाई जो ओरिजिनली हमें वैल्यू चाहिए थी वो हमें यहाँ मिली। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ यही एक फॉर्म नहीं है जिसमें हमें एक्स और वाई मिल सकते हैं, हमें और भी डिफरेंट फॉर्म में आपको दिखाता हूँ कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स तरीके से रखी जाती हैं। बट हमें यही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और उसको रिड्यूसेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से और फॉर्म हो सकती हैं, वो किस तरीके से हो सकती हैं दोस्तों, एक 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 फॉर्म में दिखाता हूँ आपको। 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन देखें तो 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ये हो गई दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, बट कॉम्प्लेक्सिटी वही है, कॉम्प्लेक्सिटी वही है। ये है x-1, ये है y-1, और यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों यही दूसरी इक्वेशन में है। दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि 1/x-1 और 1/y-2 को हम कैसे लिखेंगे। तो लिखने के लिए दोस्तों इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, और इस इक्वेशन को जब रिड्यूस करेंगे तो 5p प्लस क्यू इक्वल टू 2 आ जाएगा, 6p-3q इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा पी क्यू की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा वापस अपना एक्स और वाई के फॉर्म में। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं। पहले जैसे मैं बताता हूँ, एक्स और वाई वेरिएबल को पहले हम रिड्यूस करते हैं पी और क्यू वेरिएबल में, और फिर से इसको वापस लेके जाएंगे एक्स और वाई वेरिएबल में। यहाँ पर दोस्तों हमको आंसर मिलेगा पी और क्यू के फॉर्म में, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें पी और क्यू जस्ट एक रिड्यूसेबल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए ही बनाई गई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आइए और एक और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ले लेते हैं, 3x+4y=7xy और 2x+5y=6xy। दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिए कि जो इक्वेशन है वो एक्स वाई की फॉर्म में तो यहाँ पर पड़ी हुई है, यहाँ पर मेरे पास है, बट राइट साइड में देखिए मेरे पास 2 डिग्री इक्वेशन आ रही है, एक्स और वाई दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। इस केस में क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक्स बाय वाई से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हमने एक्स बाय वाई से डिवाइड किया तो 3x/xy, 4y/xy, 7xy/xy, और यहाँ देखिए दोस्तों किस तरह से कटते चले जाएंगे, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। ये मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 को ही कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 भी सेम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, 3y+4x=7। ये एक रिड्यूसेबल फॉर्म हुई। इसके बाद हमें इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मैं एक्स वाई 1/x को पी मानता हूँ, 1/y को मैं अगर क्यू मानता हूँ, तो 3q+4p=7। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दो चीज़ें करी, पहले तो हमने सिंप्लीफिकेशन के तरीके से इसको रिड्यूस किया, एक्स और वाई को कैंसिल आउट किया। तो दोस्तों हमें कहीं भी 2 डिग्री इक्वेशन हो उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, हटाना है, जैसे मैंने एक्स वाई को यहाँ पर हटाया है, एक्स वाई से डिवाइड करके दोनों LHS और RHS को, और फिर दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए ये रिड्यूसेबल फॉर्म लगाई है।
ये रिड्यूसिबल फॉर्म लगाई, और जैसे हमने रिड्यूस किया तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा, और फिर हम इसको अगेन कन्वर्ट करेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में, और आंसर दोस्तों एक्स और वाई के फॉर्म में निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास रिड्यूसेबल जो जो कॉन्सेप्ट है वो लीनियर इक्वेशन को बेसिकली रिड्यूस कर देता है एक एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन फॉर्म में, जो कि हमने आपको यहां बताया था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और फिर उसको इंटरप्रेट करता है दोस्तों उसकी एक बेसिक फॉर्म में, और वापस लेके आता है दोस्तों एक्स और वाई के टर्म्स में, क्योंकि एक्स और वाई के टर्म्स में ही हमें रिजल्ट्स को निकालना है, क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास यही वेरिएबल थे जिनका हमें आंसर निकालना था और जिनकी हमें वैल्यू निकालनी थी। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा हो, क्योंकि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आती हैं तो हमें उन्हें देख के घबराना नहीं चाहिए, उनका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि वो किस फॉर्म में रिड्यूस होंगी, और दोस्तों वापस उसको कन्वर्ट करना ना भूलिए एक्स और वाई के फॉर्म में। आई होप आपको काफी अंडरस्टैंडिंग लगी होगी। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।